नवाज शरीफ के सारे टेस्ट ठीक, नीयत खराब और लंदन जाने के लिए तबीयत खराब है। पूरा मुल्क जानता है नवाज शरीफ को जेल में VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। तमाम सहूलतें मिल रही हैं। वजीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान का अलहमरा में खिताब। सबसे पहले तो मैं जो है वो आपके नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है उसके हवाले से कुछ बात रख दूँ कि आज रिपोर्ट सामने आ रही है TV चैनल्स में कि ड्रॉप आई, जो उनकी एक रिपोर्ट है सीने के और दिल से हवाले से, वो नेगेटिव आई है कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई एज सच उनको कोई बीमारी नहीं है दिल की, ना कोई हार्ट अटैक जो है वो रिसेंटली जो है वो जाना नियर पास्ट के अंदर कोई उनको जाना हुआ है और बाकी भी तकरीबन सारे उनके जो टेस्ट आ रहे हैं वो ठीक हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है और वो नवाज शरीफ साहब के जो तैयब उर्दगान का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द उर्दगान है, तैयब उर्दगान नहीं है, लेकिन वो बड़के मारा करते थे कि टैंकों के नीचे जनाब लेट जाएंगे, ये कर देंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात और अपनी ताइशात के नीचे लेट गए हैं और इस वक्त बेताब हैं कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ।